तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं राहुल गांधी। आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई और इस बीच सीधे चलते हैं समर्थ के पास। समर्थ, आपके पास क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट्स पूरी खबर पर? देखिए, मैं इस वक्त मंत्री अजय मिश्रा के घर के बाहर खड़ा हूं और आशीष मिश्रा उनके जो बेटे हैं जो एफआईआर में नामजद हैं, सूत्रों से पता चल रहा है कि आज वो शायद सरेंडर कर सकते हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं उनके घर की, ये वही आवास है जो मंत्री यहां पर रहते हैं और यहीं पर उनके बेटे आशीष मिश्रा रहते हैं, जिन्होंने कल आज तक से एक्सक्लूसिव बात करके कई खुलासे किए थे और बताया था खुद को निर्दोष और कहा था कि मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। ये वही आवास मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पर आशीष मिश्रा और यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा दोनों रहते हैं इसी आवास पर। फिलहाल आशीष मिश्रा अंदर इस घर में बताया जा रहा है कि वो नहीं है, वो इस वक्त यहाँ पर से गायब हैं और सूत्रों से पता चल रहा है क्योंकि प्रेशर बनता जा रहा है। 48 आवर्स से ज़्यादा हो चुके हैं एफआईआर नेम्ड एफआईआर हुए, उसके बाद भी यूपी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल हमारे इंटरव्यू में आशीष ने खुद बताया था कि यूपी पुलिस ना घर पर आई है ना एक भी फ़ोन कॉल उनको किया है पूरे मामले से लेकर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 48 आवर्स होने के बाद भी, एफआईआर नामजद होने के बाद भी आखिर क्यों आशीष मिश्रा तक संपर्क नहीं किया गया। और ऐसा लगता है कि उसी प्रेशर के दम पर अब उनसे बोला गया है कि वो सरेंडर करें या फिर किसी और तरीके से यूपी पुलिस उनसे बातचीत करे, और यही रीजन है कि इस वक्त वो आवाज पर नहीं है। और आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, आप बने रहें। रुकेंगे यहां पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।